गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज का लेक्चर ग्रेविटेशन का फर्स्ट लेक्चर है दोस्तों। हम लोग पूरे यूनिवर्स को समझना चाहते हैं, पर पहले हमें हमारे अर्थ की बात समझनी पड़ेगी। यानी हमें ये देखना पड़ेगा कि सही मायने में अर्थ, सन या कोई भी प्लेनेट मूवमेंट कैसे करता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये देखिए कि हम लोग जब समर होता है तो छत पे जाके सोते हैं, तो आप सब देखते हो कि भाई चलो सन जा रहा है कि मून जा रहा है, इसका मतलब हमारा अर्थ सेंटर में फिक्स है। सन, मून और सारे प्लैनेट्स उसके आसपास घूम रहे हैं। ये सबसे पहले टॉलेमी नाम के साइंटिस्ट ने बोल दिया था। जियो बोल रहा है जियोसेंट्रिक, ये जो उन्होंने पहले बोला था इसे बोला जाएगा जियोसेंट्रिक मेथड, जिसके अंदर सेंटर में अर्थ है, जिसके अंदर सेंटर में अर्थ है और बाकी सारे प्लैनेट, स्टार्स, मून, सन वो उसके आसपास घूमते हैं। पर आप सब जानते हो दोस्तों कि ये बात गलत है। हमारे बहुत पुराने ऋषि मुनि आर्यभट्ट, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि सेंटर में सन है, अर्थ, चंद्रमा यानी मून और सारे प्लैनेट्स उसके आसपास घूम रहे हैं, जिसे बोला जाएगा दोस्तों हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक का मतलब ऐसा होता है कि सेंटर में सन है, बाकी सारे प्लैनेट्स, अर्थ भी आ गया, मून भी आ गया, वो सब उसके आसपास घूम रहे हैं। वो अभी जो साइंटिस्ट ने बोला उसका नाम था निकोलस कॉपरनिकस। सर ये जो सारे प्लैनेट मूवमेंट कर रहे हैं, अर्थ, हम जुपिटर की बात कर ले, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, क्या सबकी वेलोसिटी सेम होती है? नहीं दोस्तों, इन सबकी वेलोसिटी के बारे में सबसे पहले डिस्कस करने वाले साइंटिस्ट है टाइको ब्राहे एंड गैलीलियो। इन्होंने बोला कि अलग अलग प्लैनेट अलग अलग स्पीड से अर्थ के, सन के आसपास घूमता रहता है। इसका मतलब दोस्तों हमें और भी डीप में जाना पड़ा। जैसे फोर्स को समझना था तो न्यूटन के तीन लॉ आ गए थे, जिन्होंने हमारा काम बहुत ही सिंपल आसान कर दिया। बिल्कुल वही मेथड से केपलर के तीन लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया एंड लॉ ऑफ टाइम पीरियड, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पहली बात दोस्तों लॉ ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट इसलिए ढूंढना पड़ा कि कोई भी प्लैनेट के ऐसे ही घूमेगा नहीं, हम प्लैनेट को वही डायरेक्शन में घुमाएंगे जिसका कोई एक सेंटर सन है। अब उसको स्टेटमेंट वाइज ऑल द प्लैनेट्स मूव इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट, सर्कुलर नहीं लिखा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन सिचुएटेड इन द वन ऑफ द फोकी ऑफ द इलिप्स। यानी जो इलिप्स है उसका एक सेंटर में सुन है, सन है, और जो प्लैनेट अर्थ, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो कोई भी ले लो, वो उसके आसपास इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा, जिसे बोला जाएगा लॉ ऑफ पहला। सर सेकेंड लॉ में क्या था? लॉ ऑफ एरिया। जैसे कोई प्लैनेट को सन और हम उसको कनेक्ट कर दे और उसको थोड़ी देर बाद यहां पे पाए, तो उन्होंने ये जो पोर्शन कवर किया है ना, ये जो पोर्शन, ये टाइम लेगा यहां से यहां पहुंचने। सपोज उसको 2 घंटे लगे तो 2 घंटे में इतना एरिया कवर करेगा। बस यही चीज दोस्तों, द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लेनेट टू द सन स्वीप इन द इक्वल टाइम पीरियड, इक्वल एरिया, इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल एरिया कवर करेगा। यानी हमारे पास एक बेहतरीन फॉर्मूला आ गया, dA by dt is equal to L by 2N, वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब दोस्तों ये dA by dt को एरियल वेलोसिटी, MCQ याद रखना, जिसे बोला जाएगा एरियल वेलोसिटी, इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो दोस्तों ये उसका यूनिट हो गया। दो लो तो परफेक्टली देख लिए, उसके बाद दोस्तों लॉ ऑफ टाइम पीरियड, सिंपल सा फॉर्मूला है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, बस वही चीज को बना के चलो, टी स्क्वायर यानी द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ एनी प्लेनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अगर ये सेंटर है तो मेजर एक्सिस लेनी पड़ेगी, यानी सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप ट्रेस बाय द प्लेनेट, यानी प्लेनेट जो घूमेगा उसका रेडियस का क्यूब होने वाला है। सर ये तीनों फॉर्मूला, लॉ ऑफ ऑर्बिट ले लो, एरिया ले लो, टाइम पीरियड ले लो, ये इसलिए पक्का करना पड़ेगा क्योंकि उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन,
उसे ऐसा बोल दिया कि अर्थ पे जो भी है, अर्थ या पूरी ब्रह्मांड ले लो, पूरी कायनात ले लो, पूरा यूनिवर्स ले लो, उसमें दो जो भी पार्टिकल है उन दोनों में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास, दोनों का मास का मल्टीप्लीकेशन करो उसके डायरेक्टली प्रपोजनल है, एंड इनवर्सली प्रपोजनल टू द डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। हम इन दोनों को कंपेयर करके एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये प्रपोजनल हटाओगे तो आपको ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट मिलेगा, इट्स डिफाइंड एज बिग जी कैपिटल जी, उसकी वैल्यू दोस्तों फिक्स है 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। दोस्तों ये पक्का करना पड़ेगा, कोई बोले कि नहीं सर वन पे टू के कारण फोर्स लग रहा है, रिपीट वन पे टू के कारण फोर्स, यानी वन को टू खींच रहा है, तो जिस पे फोर्स लगेगा वो पहले आएगा क्योंकि डायरेक्शन वाली बात हो गई, तो एफ वन टू इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर यूनिट कैप आर कैप वन टू। प्रॉब्लम ये है दोस्तों, ये यूनिट को आपको कैसे समझोगे, तो यूनिट वेक्टर आपको हमने सिखाया था आर टू कैप मतलब वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, दोस्तों मैग्नीट्यूड तो इक्वल रहने वाले हैं, आर टू वन यानी हमने आपको बोला था लास्ट माइनस फर्स्ट, दोस्तों रेडी हो जाओ लास्ट माइनस फर्स्ट। अब मैं इसका उल्टा बोलता हूं, ये क्या था वन पे टू के कारण फोर्स, अब दोस्तों उल्टा बोलो टू पे वन के कारण फोर्स, तो उसका फॉर्मूला रिप्रेजेंट करो एफ टू वन, ये सर कांस्टेंट वाला पोर्शन है ये चेंज नहीं होगा, यूनिट वेक्टर दोस्तों आर टू वन हो गया, यहां वन टू सॉरी यहां वन टू है तो यहां वन टू ही रहेगा, तो ये हो जाएगा उल्टा। रिपीट दोस्तों, अगर ये एफ वन टू है तो ये आर वन टू होगा, तो आर टू माइनस आर वन लास्ट माइनस फर्स्ट। अब उससे उल्टी बात कर रहे हैं हम लोग, टू से वन यानी टू पे वन के कारण फोर्स, तो उसे लिखा जाएगा कैसे दोस्तों आर कैप टू वन, आर कैप टू वन, टू से वन तक पहुंच रहे, बात सिंपल है लास्ट माइनस फर्स्ट यानी आर वन माइनस आर टू बाय। इन दोनों को देख के आप समझ गए होंगे कि सर ये तो न्यूटन्स थर्ड लॉ वाली बात हो गई, दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है पर डायरेक्शन क्या है अपोजिट, डायरेक्शन क्या है अपोजिट, यानी पहला दूसरे पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स दूसरा पहले पे लगाएगा, दैट मींस एक्शन एंड द रिएक्शंस आर द सेम बट अपोजिट डायरेक्शन। प्लीज 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 दोस्तों याद रखना, किस पे फोर्स लग रहा है वन पे, जिस पे फोर्स लगेगा वो पहले आएगा, और वेक्टर में जाओगे तो लास्ट माइनस फर्स्ट। ओके ध्यान से देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये अगर आपने पक्का कर दिया तो आपके बहुत सारे एमसीक्यूज न्यूमेरिकल्स आसान हो जाएगी। ध्यान से देख लो दोस्तों और पक्का कर दूंगा।